क्या करे, आपने क्या बोला था क्यों कर दीदी बहनी का बात नहीं होता है ना, कैसे बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ पार्टी जे पनि भन्छ। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, पहले प्रूफ लेके आइए ठीक है ना। अब त्यो प्रूफ तिमी अर्काको वाइफ हो र म प्रूफ ल्याउने तिमीलाई, त अब कसरी बोल सकते कि तुम ऐसी हो। त मैले तिमीलाई भनम त तिमी 21 दिन सम्म तिमी सँगै किन सुत्यौ त, अभी अभी गरे ना, पहले कैसे बोल सकते हैं कैसे मसिको सुत्न नमानी त चाहिँ यसैमा किन सुतिस त, हमको नहीं पसंद हो तुम इसीलिए समझे ना। तेरे गैरेक्टर से गलत हो दुर्गा, अभी हम गए ठीक है, पहले नहीं गया था, पहले कैसे बोल सकते हैं, जब पहले जाते ना तब आपको बोलने का हक था कि तुम दूसरे साथ सोई हो। उसँग मिलेर बस्न सक्ने सम्भावना छँदै छैन, यत्रो हामी सँगसँगै आएका छौँ अहिले होइन, 24 घन्टा भइसक्यो हामी सँगै छौँ, बेसी भयो होइन। तिमीलाई दुर्गाले एक किसिमको माया पनि दर्शाइरहेछन्, देखाइरहेछन् नि, तिमी दिखावा भयो भनेको त्यो माया होइन, के कुरा हो दुर्गासँग तिम्रो नमिलेको चाहिँ भन, भावना मिलेन, उमेर मिलेन, सोचाइ मिलेन, अथवा के हो भन, कुछ भी नहीं मिलता हम लोग का। अनि बिहे चाहिँ गरे किन तिमी मन मिलायो त नि, प्रश्न फेरि त्यही छ के, तिमीले मेरो बॉयफ्रेन्ड छ भनेर भनेको भए त मैले बिहे नै गर्थेन नि, मेरो कभी शादी नहीं करना था तो हम क्यों बताए कि बॉयफ्रेन्ड है कि नहीं है। अ तिमीलाई हात खुट्टा बाँधेर ल्याएर जग्गामा राखेको हो, क्या होता? हम जब इतना बोले कि मेरे को शादी नहीं करना है तो फैमिली को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था। और अब ये दुर्गा 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 ने अब अर्को केटी पाउँछ त पाए पनि उ त एउटा विवाहित भयो हैन, कोही छोरा कोही मान्छेको छोराको जिन्दगी पनि त बर्बाद पार्न पाइन्छ रे यसरी, बिहेको नाममा के हो सबै नाटक हो त, इनका जिन्दगी हम बर्बाद तो नहीं कर रहे थे, हम भी अच्छा सोच के शादी किए थे। अच्छा बने को जी दुर्गा अच्छा सा बन रहा, हाँ हमको लगा ये अच्छे होंगे इनकी फैमिली अच्छी होगी, हाँ बाद में तो पता चला कौन कैसा है, एक ही दिन में तो पता नहीं चलेगा कि कौन कैसा, 5 महीने में था पाया था जो कस्टो सा बने रहा, हमको 1 महीने के अंदर ही पता चल गया था कौन कैसा है। ला कस्टो थियो बने रहा दुर्गा शादी के दिन ही इतना फोर्स करते हैं, बाद फिर शादी के दूसरे दिन पता चलता है कि फेसबुक में एक गंदा लाइव वीडियो चल रहा है उसमें ये कमेंट करते हैं, ऐसा कौन करता है, फिर भी हम इस बात को नहीं निकाले, इस बात को हम छुपा के रखे कि निकालेंगे तो लड़ाई होगा फालतू में, फिर भी ये हर बात के लिए किच 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 करते रहते हैं। अरे बहनी उधर श्रीमान हो नि त, श्रीमानले अन्त फोर्स गर्दैन नि त तिमीलाई, अरे श्रीमानले नगरे देखि कि अन्त बाहिरको मान्छे आएर फोर्स गर्छ तिमीलाई, फिलिंग्स भी तो होना चाहिए ना, एक एक ही लोग के मन से थोड़ी होता है, दोनों को मन मिलना चाहिए। दुर्गा क्यों पहले तो बहुत अच्छा था, क्यों दुर्गा मारा ऐसा हो सर मेरे को, अरे तुमने अरे म यूरोप जाने हो ऐसा था भने तिमीले झुटो बोलेर चाहिँ किन बिहे गरेको थियौ, मैले उलाई झुटो बोलेको हैन के सर, यस्तो छ मैले युरोप मान्छे पनि छ नि त त्यो उडाउने मान्छे छ नि त हैन सर, अहिले नाम नआएपछि मलाई एकैचोटि म उड्ने कुरा त भएन नि त, उसलाई मैले फोर्स गरेको त होइन नि त, मैले बिहा गर मसँग गर्नै पर्छ भनेको त होइन मैले, अनि के उसको के सोच हो त नि, 5 वर्ष ए बॉयफ्रेन्ड छैन भन्ने पहिला, अनि बिहा गर्ने फ्यामिलीलाई त बनाउने त वाइफले हो नि त, घर बनाउने राम्रो राम्रो नराम्रो बनाउने उसको हातमा छ, अनि त्यो बिहा गरेको रिपोर्टलाई अनि त्यो लाइभ भिडियोमा त्यो गन्दा कमेन्ट के हो त्यो, त्यस्तो हुन्छ श्रीमानको कस्तो लाइभ कमेन्टमा मैले तिमीलाई के भन्छु, मेरो पास स्क्रिनशट है, हम स्क्रिनशट दिखा सकते हैं, मेरे पास है फोटो, के हो भएको चाहिँ ल, उसमें इतना गंदा लाइव वीडियो चल रहा है उसमें ये कमेंट करते हैं कि से वो सेक्सी डियर फुल ओपन ऐसा करके इन्होंने कमेंट किया है उसमें, के हो जो भन्यो त कसलाई भनेछु मैले तिमीलाई भने, लाइव भिडियो में हमको थोड़ी बोलेंगे, ए भनेको त्यो लाइभ भिडियो जुन त्यो नाङ्गिनी खालको भिडियो हुन्छ त्यसमा तिमीले कमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा, त्यो कमेन्ट त्यो मलाई के भन्छ अरे त्यो मैले तिमीसँग त्यो सहकारै भएन नि त, तिमी चाहिँ अब भनेको तिमी, अरे यार आपको ऐसा देखने का मन होता तो देखो ना, उसमें कमेंट करने की क्या जरूरत है, उसमें हम दोनों की शादी का फोटो लगा हुआ है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, वो भी मैंने वो कमेंट नहीं देखा था, बस मेरी फ्रेंड्स लोग है ना वो लोग देख के मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, फिर भी हम कुछ भी नहीं बोले, क्यों क्यों बोल के लड़ाई,
यो भनेर नानी जे कारणले हो त छुटिन लागेको छ नि ऐसा कुछ नहीं है फिर भी हम कुछ भी नहीं बोले उस टाइम लेकिन इतना ये बड़ा वो किए फिर भी मतलब कि इतना कमेंट कर दिए वो लोग क्या सोच रहे हैं कैसा आदमी है ये फिर भी हम नहीं बोले इनको कुछ लड़ाई नहीं मतलब मुख्य रीजन क्यों बना ना कारण क्यों ये मेरा तो मतलब एक फोर्स कर रहे फोर्स तो करते ही थे ये मेरे को जानते हैं मेरे मेरे कैरेक्टर पे कैसे ये बोल सकते हैं कि टॉयज तो तुम लड़कों से मिलने जाती हो तुम रात को ये करते हो वो करते हो क्या मतलब है सुन तिमी जब मान्छे छोरी मान्छे सुन वाइफ भएपछि मेरो हक छ तिमीलाई दुई थप्पड हान्ने पनि मेरो हक छ सर एउटा कुरा भन्दा एउटा कुराले भनेको के मैले त्यस्तो कुरा हक हुन्छ नाइन मैले उसलाई पिटेको पनि छैन नि त्यो रातमा के भयो भन्दाखेरि त्यो बिहान ऊ भोट हाल्न गयो होइन अनि भोट हाल्न जाँदाखेरि बिहान घाम नझुल्किँदै गएको मान्छे घाम डुबेर आएपछि हस्बेन्डले के भन्ने उसके एक दिन पहले से उसके एक दिन पहले से आपने मेरे को बोला था ठीक है ना तिमी हराएपछि त भन्दैन एक दिन पहले हम हराए थे एक दिन पहले हम लोग कहाँ गए थे उस दिन क्या बोले थे हम दीदी मेरे साथ सोने के लिए बोली है हम क्या करें आपने क्या बोला था दीदी महीने का बात नहीं होता है ना करे बात आपस में बैठ के बात ना करे आपके साथ चिपके रहे हैं हराएपछि त भन्छ नि बुढाले अच्छा उस दिन कहाँ हराए थे हम उस दिन कहाँ हराए थे भनेको मुख्य कारण त्यही थियो किन उसको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई लिएर खाली झगडा गर्ने एक मिनट ये खाली बोलते कि वोट के दिन ये खो गई थी ऐसा बोलते लेकिन वोट के पहले दिन से ही ये मेरे को मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा चुके थे कि तुम रात रात को गायब रहती हो मेरे को तो बोले ही सास को भी घसीट के लेके आते हैं बताते हैं कि ये रात रात को गायब रहती है ऐसा वैसा कुछ भी रहा होता ना झोला बोक के चले जाएंगे क्या मतलब है समाज को दिखाएगा अच्छा हम क्या बोले थे कि मत जाओ मामा घर बोले थे कि नहीं हम बोले मत जाइए मामा घर तुम भने क्या बोलते हैं ये तुम छोटी हो छोटी की तरह रहा करो मेरा रिस्पेक्ट किया करो मेरे को नहीं पता है क्या किसका रिस्पेक्ट करना किसका नहीं करना दुर्गा दुर्गा जस्तो बुढाबुढी गरेर त्यो डिस्कस गर्ने बित्तिकै है हजुर तिमी चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नुको कारण के हो त यस्तो सर कारण के छ भन्दाखेरि मलाई उसँग झगडा गर्न उसको अनुहार हेर्न मन लाग्ने क्या त्यति किन भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ बस्यो भने अनुहार हेर्न मन लाग्दैन भन्नाले यस्तो के अब त्यहाँ बस्यो भने श्रीमती अनुहार हेर्नै मन नलाग्दाखेरि त हिँडे त होइन होइन सर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब त्यहाँ बस्यो भने अनुहार हेऱ्यो भने झगडा हुन्छ धेरै कुरा गम्बिन्छ त्यो भएर म झोला बोकेर उता डाँडामा गएर बसेको मामा घर नि गएको होइन म डाँडामा गएर बसेँ त्यहाँ चाहिँ झ्याउलाई फेरि म तल बहिनी आएको थिएँ बहिनीसँग सँगसँगै आएको दुर्गाको रञ्जना दुर्गाको क्यारेक्टरमा कुनै दिन नै छ आउने उठाउनु पनि ठाउँ छ होला भनौँ ठिक कहाँबाट लाग्छ भन त जब तिमी 21 दिनसम्म त उसँग बसेपछि त तिम्रो क्यारेक्टर के हो त ल भन त एक मिनट यत्न बडा कदम उठाने के लिए आपने मेरे को मेरे को मजबूर किया है ठीक है ना त्यस्तो हुँदैन हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्यों क्यों हम ऐसा करते हैं मेरे को नहीं पता क्या इज्जत क्या होता है अगर ऐसे करना होता ना तो हम शादी की पहले कर लिया होता ठीक है ना त्यो तिम्रो सोच एकदम गलत छ ओ माय गॉड आपका सोच ही बहुत अच्छा है तिमी त्यसो भए यो के गरेर गएको त यदि भनेको यदि तिमी जान्थ्यौ भने बिहे हुँदा अगाडि नै उसँग जान्थ्यौ इज्जत र समाज तिम्रो सबै हुन्थ्यो भने तिमीले चाहिँ के भन्छ अरे मैले त्यो रातमा तिमीलाई भनेको थिएँ कि थिएन ठिक छ तिम्रो फ्यामिलीलाई बोलाउँछु म त्यो त्यो रातमा भने थियो कि भनेदेन हेर्नु मान्छे सुते जस्तो गरेर हेर्नु म बिहानको 4:30-5 बजे उठ्दाखेरि मान्छे सुत्या जस्तो गरेर ऊ चाहिँ पुरै मान्छे सेम डे टु छ अनि म खोज्न हिँडेँ त्यस कारणले जानबुझ के एक्काइस दिन गुम हो गया तो जानबुझ के हम गए हमको नहीं रहना आपके साथ इसीलिए मैंने ऐसा किया एक तो ये ऐसे है ठीक है मैं इनके परिवार वाले के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ
इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी है। ये इतना सही जो बनता है ना, ये भी तो अच्छा है देखने में, देखने में बहुत अच्छा है, बात भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत होशियारी का बात करते हैं, लेकिन जो साथ में रहता है ना उसको पता होता है कि कौन कैसा है। अरे भाई ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हैं फालतू में, कैसे बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ अच्छी जे पनि बन्छ। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, पहले प्रूफ लेके आइए, ठीक है ना। अब त्यो प्रूफ तिमी अर्काको वाइफ हो र म प्रूफ ल्याउने तिमीलाई, त आप कैसे बोल सकते कि तुम ऐसी हो, त मैले तिमीलाई भनम त तिमी 21 दिन सम्म तिमी सँगै किन सुत्यौ त, अभी अभी के ना पहले कैसे बोल सकते हैं, कैसे मसिङ सुत्न नमान्ने त चाहिँ यसिङ किन सुतिस त, हमको नहीं पसंद हो तुम इसीलिए, समझे ना। तेरा कैरेक्टर से गलत हो दुर्गा, अभी हम गए, ठीक है पहले नहीं गया था, पहले कैसे बोल सकते हैं, जब पहले जाते ना तब आपको बोलने का हक था कि तुम दूसरे साथ सोई हो, चुनाव को बेला में तुम इतनी गयो, ठीक है। अच्छा सोए थे वहां देखा किसी के साथ, तुम कैसे बोल सकते हो मेरे को, ऐसा भने तिमलाई त्यो दिनमा नहीं बोले हैं, तिम्रो बाबा जाती हरा दे, तिम्रो बाबा छ, तिम्रो बाबा आउँदै छ, तिम्रो बाबालाई मैले सब गर्न बुलाइए ना, हमको टाइम नहीं लगा है, ठीक है ना, सबको बुलाइए यार, कहाँ आशा लाग्छ त नि, घर त तिम्रो यहाँ हराइसक्यो त, पुलिसले नै तिमलाई भेट्यो त, रङ्गे आ केटा तिमी आफै आयो निललाई यहाँबाट, हजुर तिमी कसरी आयो, गोरा कुराको निललाई देख्नु भ, अझै 10 दिन छ भाई, 10 दिन अगाडि 10 दिन अगाडि उले उले छुट्टी मागेर गएको छ भन्ने सब सुन्ने छ, 10 दिन अगाडि एले फोन गरेको रहेछ, एलाई मेरो बुढालाई मैले छोडे ल आइज, मलाई उले छोडदियो आइज भनेर चाहिँ उलाई लिन आएको, हाँ तो हम बुलाए उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया उसको, गलती नहीं रहना भाई, तुम्हारे साथ नहीं रहना मेरे को, ठीक है नहीं रहना, तो अच्छे से भी बात कर सकते, अच्छे से ही बात, हम आज तक इनको हमेशा रिस्पेक्ट दे के ऐसे लड़ाई भी करता है, हमेशा मैं इनको आप करके बोलता हूँ, ये मेरे को हमको तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा मुख से कुछ जाने में, बस मांगी भी हुआ है ना तो मैं रुका हुआ हूँ, ना तो मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मारने के लिए हाथ भी उठा चुका है भाई, हाथ उठा उठा है, मेरी मम्मी कसम, पता है वीडियो कॉलिंग में मेरी बहन देखी है, मेरी माँ की कसम तुमको मैं अभी तक एक टच नहीं किया, तुम ऐसा झूठ बोलते हो, क्या बोल मारने के लिए हाथ उठा है, मार नहीं सकते आप मेरे को, तुम क्या बोल रहे हो, आप मेरे को मार नहीं सकते, तिमीले मलाई के भन्यो, तिमीले मलाई के भन्यो त्यति बेला, म त लड्का हो, म मलाई तिमीले के कमजोर सोधेको त्यो भन्ने हो त, मलाई पता है लड़कियों को इतना कमजोर समझते हैं, मेरे को नहीं पता है कि शादी हो क्या है मेरी, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे को नहीं पता है, खाना ला के देना, खाना उठा के ले जाना, सब कुछ मेरे को पता है, क्या बोलते हैं थाली कौन उठा के लेके जाएगा, हम भाई नौकर है, हमको नहीं पता है, एक मिनट हम मालिक बनने आया है, मेरे को जब मेरे को पता है कि क्या करना है तो बोलने क्या जरूरत है, ये उठाओ वो उठाओ, तिमीले बोलाको उले हजुर वहाँबाट हजुर के भनेर बोलायो, लिन आइज भनेर के भनेर बोलाएको थियो नि, हजुर अगाडि म्यासेजमा कुरा भयो त्यो भनेर लिन आइज, कुरा कसको इन्स्टाग्राम के भनेर बोलायो, म्यासेजमा कुरा भयो त्यो म्यासेजमा कुरा गर्नु, मेरो श्रीमानले मलाई टर्चर दियो, लिन आइज भने के भन्नु, हजुर मलाई घरमा मन मन परेन यस्तो बस्नको लागि, तिमी त म्यासेज गरिदियो मलाई लिन आइज भनेर गोरखपुरसम्म, जस्तो बिहे हुने बित्तिकै भनेको थियो होइन त, एक महिना पछि हो, एक महिना पछि, एक महिना ऊ इन्डिया थियो, एक महिना बाद हम इन्डिया गए, ठीक है, हम लोग अप्रैल में शादी हुआ, हम लोग मई के लास्ट में गए इंडिया, ये महीना पछि बिहे भएको एक महिनामै, बिहे भएको एक महिनामै तिमीले उसलाई बोलाएछौ, किन बोलायौ, हमको एक महीने के अंदर ही पता, शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था, हम लोग लड़ाई स्टार्ट हो चुका था, और इतना एक महीना भित्र लड़ाई शुरू कर यो सर मैं झगड़ा करना चाहे थे कि हर एक बेला में इसलिए मैं कि सोच मो मान्छेले कसैलाई बिहा गर्छ भने उसँग केही कुरा खोज्छ के सर, या म होस् या दुनिया होस्, हस्बेन्डले एउटै चिज खोज्छ, उसँग सँगै सुत्न पाऊँ सँगै, उसले मलाई हरेक ठाउँमा तिमीलाई म सम्झिन्छु र पछि चाहिँ सुतौँला, यो कुरा के हो, नहीं यो कुरा के हो, नदिने छेउमा बस्यो भने मेरो मम्मीलाई पनि थाहा छ, छेउमा बस्यो भने खालि उतर जाऊ
इधर जाओ, उधर अपना बेड पकड़ो। यू पहले पहले तो हम ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? पहले तो हम साथ में ही सोते थे। पहले साथ में ही सोते थे। जब हम सन सो भएन तब सरे तबड तिमले ति त्यो नौटंकी सुरु गर्यो। जब तिमी ईसँग बोल्दै थियौ नौटंकी नगर तिम्रो नि इन्स्टाग्राम मैले पुरै हेरे भने सबै थाहा हुन्छ। देखिएन भाई, देखिए पुरा डिलिट गर्न चुका त केसी देखि। पहले पहले तो हम लोग साथ में ही सोते थे। ये वो जो चाहते हैं सब लोग लड़के लोग, हम इनको समझाए थे, समझाए कि भाई ये समझ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, समझ जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है चलो ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन इतना रोज रात को लड़ाई करेंगे उसी बात को लेकर अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मारने लगते हैं। नहीं मारे विक्रम सर, तपाईले दुईजनाको कुरा सुन्नु भयो हैन? हजुर। के गर्दा ठीक हुन्छ अरु त अब उनीहरुलाई? अब त्यही त, अब यिनीहरु चाहिँ बस मिल्ला सँगहरु हेर्नु हैन, उसको कुरा केरे आइरा छ। हजुर। उ त झन् खुच्चे भइहाल्यो यो केटो हैन? हजुर। अब दुर्गाको कुरा सुन्दाखेरि म पीडित भयो भन्ने छ उसको हैन? हजुर सर। ल के गर्दा ठीक हुन्छ अरु तपाई भन्नुस् न। तपाई त्यो समाजको तपाई गर्ने भन्ने मान्छे पनि हो, ल भन्नुस् तपाई आफैले। अगुवा व्यक्तित्व पनि हो। भन्नुस्। अब चाहिँ किनभने अब बस्दै बस्दैन भनिसकेपछि त अब दुर्गाले पनि आफ्नो व्यवस्था त गर्नु पर्यो। फेरि यो त जीवनसँगको कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि अब दुर्गाले अब अर्को गर्नको लागि अब त्यो के अरे व्यवस्था खर्च बर्चको व्यवस्था गरिदिने, त्यसपछि चाहिँ दुर्गाले आफ्नो व्यवस्था गर्छ, उनीहरू आफ्नो व्यवस्था गर्छ। अब यहाँभन्दा त अरू त के रह्यो त? अब छुट अब बस्नै चाहन्न भने मेरो कुरा पनि त्यही हो सर, उसको खुसी मेरो खुसी हो सर, होइन? यसलाई यो यसले एउटा कुरा के मलाई कस्तो लाग्छ, एकदम मन दुख्ने कुरा हो सर। अब हस्बेन्ड भएपछि यो चाहना पनि नराख्ने रे, अब उसले मलाई ऊ दिने यदि दुर्गा यदि ऊ एकतालाई मलाई माफी दिनु मबाट गल्ती भयो भनेर तिमी राख्छौ? त्यो त अब सम्भव कुरै भएन सर। किन भन्दाखेरि सर, जब आँखाले देख्दा देख्दा अब सँगै बेडमा बसिरह मलाई एक सेकेन्ड पनि बस्न नदिने, ऊ चाहिँ 21-22 दिन 24 दिन चाहिँ सँगै सुत्ने, पुलिसले जब एकैचोटि देख्दा फेरि कुरा मैले के कुरा सोच्ने होला त? ल भन्नु त सर, मैले सम्भव छैन सर। यस्तो मान्छेसँग कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै बहिनी तिमी डिभोर्स चाहन्छौ होइन त? हो अनि योसँग बिहा गर्छौ? ए हजुर। तिमी लाने हो? लाने नै हो? पक्का हो? हजुर। दुर्गा हजुर, कुन कन्डिसनमा डिभोर्स गर्छौ भनेको अरे भाइ? ल कन्डिसन यही छ सर मेरो, होइन? जुन हिसाबले बिहा गरियो होइन, समाजमा समाज पनि आउँदैछन्, मैले सबैलाई गरिदिइसकेँ सल्लाह, सबै आउँदै हुनुहुन्छ, आज लगभग घर आइपुग्नु भइसक्यो होला उताको, उसको ठुलो बाउलेबाट उसको मामा सबैलाई मैले खबर गरिदिइसकेका छु, उनीहरू आउँदैछ, उनीहरूले पनि फैसला गर्छ, मेरो फैसला पनि त्यही हो सर, होइन? यस्तो मान्छेसँग जिन्दगी गर्दैन जसले चाहिँ मेरो भावना नै बुझ्दैन, हरेक कुरालाई सानो सानो कुरालाई लिएर अहिले टोक्छ। अघि एउटै कुरा तपाईँलाई के क्लियर गरिदिन्छु भन्दा, उहाँ अघि यहाँ हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ उहाँ सर, उहाँ सरले अघि नै एउटा चाहिँ एउटा बेडमा ल ल्यापटप फुट्छ है भन्दाखेरि उसले के जवाब दिए? त्यही कुरालाई बाहिर रिपिट गर्छ कि, सानो कुरालाई पायो भने त्यही कुरा दसचोटि गर्ने उसको एउटा बानी भयो कि। मैले उसलाई नराम्रो भनेको होइन, मान्छे एकदम ट्यालेन्ट छ, राम्रो पनि छ होइन, लुकिङ पनि धेरै राम्रो, मैले माया नगर्ने होइन बेसरीमा, तर माया अझै पनि लाग्छ कि सर, नलाग्ने होइन, माया नभएको भए यसलाई मैले उहाँ त्यत्रो चेन्नई जान्थेन होला नि सर, होइन र? फोर्स त तिमीसँग त्यो कुरा होइन नि त, पहिला तिमीले चाहिँ ओके हुन्छ ल बिहा गरौँ यो त्यो, के तिमीलाई मैले त्यसो भए चाहिँ हात मानेर खुट्टा बाँधेर ल्याएको किनभने घर समाज सब लोग बोला कि अब हम लोग अपनी तरफ से दे चुके हैं, अपनी तरफ से दे चुके हैं, हम पापा बोले शादी नहीं करना, पापा बोले कि अब भले को माना, हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा करो, तो हम लोग कैसा है ना, हम लोग के भाई बहन का यार की फैमिली जो बोलती है ना हम लोग वो करते हैं, फैमिली हम लोग के अच्छे के लिए करती है और वो अच्छे के लिए ही किए हम लोग के, हम फैमिली को दोष नहीं देंगे। हम आपके साथ अच्छे से नहीं थे, था तो ये बात है
कि तिमीले मलाई आप मेरे को ऐसा बोले ना, इसलिए मेरा मन दुखा। इनका मन दुखता है तो ये आते हैं मेरे पास कि मेरा मन दुखा है, मेरे से बात करो। जब मेरा मन दुखता है इनको तो पता नहीं चलता है, हम क्योंकि इनसे कोई भी बात शेयर कर ही नहीं पाते हैं। ये अपना इमेज ही नहीं बनाया है कि हम इनसे शेयर करें बात। ठीक छ, अब दुईजना अब सँगै रहे भनेपछि सर, अब तपाईँ अब तपाईँ लगायत लाइभ मैले चाहिँ त्यो प्रहरी कार्यमा यतातिर म त ह्यान्ड ओभर गर्छु सर, होइन तपाईँको रबरमा सर है। अनि अब तपाईँले बसेर दुइटै परिवारलाई राखेर है के गर्ने? अब छुट्टी नै भन्ने कुरा आएछ, छुट्टिँदाखेरि के सर्तमा छुट्टिने त्यो तपाईँले मिलाउनु होला सर है। मेरो छुट्याउने काम होइन, म चाहन्न छुट्टियोस्। तर अर्को कुरा के भने, यो दुइटाको प्रेम रहेछ होइन, मुख्य रूपमा 4-5 वर्षदेखिको प्रेम रहेछ। यो प्रेम पनि को कारणले पनि म चाहिँ त्यति साह्रो नेगेटिभ छैन यिनीहरूसँग। तर एउटा दुर्गाको त जिन्दगी त बर्बाद त भयो त, फेरि एउटा विवाहित पुरुषको नाम टिका त लायो त उसले होइन। उसलाई पनि एउटा न्याय दिलाउने गरी तपाईँले छलफल गर्नु होला है। अब यहाँसम्म हामी अब नेपाल अब छिर्दैछौँ, अब म धेरै म यहाँ बहस गराउन्न। नेपाल छिरेपछि हामी उसको दुर्गाको परिवारलाई भेट्नेछौँ, प्रहरीमा बुझाउनेछौँ, दुर्गाको परिवारलाई भेट्नेछौँ है त। ल नानी, अरू केही छ मलाई भन्नुपर्ने? बर आप लोग को लगता है कि इनका जिंदगी बर्बाद हो गया है ना, ऐसा लगता है आप सबको लगता है कि हम इनसे शादी करके इनको छोड़ दें इनका जिंदगी बर्बाद हो गया। आप लोग ऐसा लगता है हम इनके साथ रहते और मेरा जिंदगी बर्बाद होता तो काम क्या करते? क्या करते आप लोग? तिमीले कहिले कम्प्रोमाइज गर्न सिक्यौ? क्यों कम्प्रोमाइज गर्यो यार? तिम्रो त जब च्याटिङ 10 चोटी दिनको उसँग हुन्थ्यो भनी त तिमी कसरी चाहिँ मसिङ हुन्थ्यो? च्याटिङ कसरी स्टार्ट हुवा भाई? तिमीले मैले जब तिमीले एसएमएस गर्थे नि सब मलाई नानीले भनेछ दादा यो चाहिँ दिदीले लामो मेसेज पठाउँछ, कसलाई मेसेज पठाउँछ त्यो मलाई थाहा छैन, नेमिकाले भन्छ। त्यो कसरी भन्छ त्यो मैले बुझिरहेको छु। तिम्रो यतातिर तिम्रो पनि प्रेमको मैले सम्मान गरेको छु नानी, हेर नत्र भइदियो कि तिमीलाई नोकझोक गरेर मैले ल्याउँथेँ, त्यो थाहा छ नि। तिमीहरू दुइटाको मायाको कारणले पनि म पोजिटिभ भएको हो, यो जोडीलाई छुटाउनु हुन्न भनेर होइन। तिम्रो फ्यामिलीको प्रेसरले त्यतिखेर विवाह गऱ्यो होइन, त्यो एउटा पाटो छ भने उतापट्टि त विवाहित पुरुषको टिका लायो त भनेर खोजेको हो नि त मैले। तिमी पनि एउटा विवाहित भयो, ऊ पनि विवाहित भयो, तर यो केटाकेटी आए गुलेरी खेलाए गुली के को सत्यानाश जस्तो भयो नि त, टालाठुली खेलाए जस्तो भयो नि त, विवाह संवेदनशील कुरा भन्न मात्रै खोजेको हो मैले। त्यो उसको जिन्दगी बर्बाद भयो तिम्रो भएन भन्न खोजेको होइन मैले, कुरा बुझ्यो नि। तिमी मसँग नेगेटिभ छ भनेर उतातिर वायरल होगा तो सबको यही लगेगा कि हम लड़के के साथ गलत किए हैं, क्योंकि यही लग रहा है, क्योंकि हम इतना बड़ा कदम जो उठाया वो गलत ही है। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये कदम गलत होगा, क्योंकि मेरे साथ कोई भी सपोर्ट में नहीं था और हमको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ रहते, अगर मेरा जिंदगी बर्बाद होता तो समाज मेरे लिए कुछ नहीं करता। हाँ, और मेरा जिंदगी सेव यही किया है, इसलिए हम इसको भगवान के बराबर तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये शादीशुदा लड़की के साथ जिंदगी बिता सकता है और इसको तो साइड में रखो। तिमीलाई त घृणा कसरी लाग्दैन त जब तिमी 5 वर्षबाट रिलेसनमा छौ, अनि तिमीलाई कसरी चाहिँ हुँदैन त 5 वर्षबाट? तिमीले किन झुट बोल्यौ त? तिम्रो फ्यामिलीलाई किन झुट बोल्यौ? मामालाई झुट बोलेछौ, बाउलाई झुट बोल्यौ, नौटङ्की रहेछ तिमी, एक नम्बरको नौटङ्की। यति चाहिँ मान्छे हुन्छ नि त्यो उहरूले किराले रङ फेर्दैन त्यति तिमीले रङ फेर्दो रहेछ कि, बुझेछु। हामी भर्खरै आया ऊ गर्छ, अहिले भर्खरै एनर्जी आउँछ तिमीलाई, तिम्रो मैले बुझेको छु, तिमी बुढी होला भयो। अब दुर्गाजी सुन्नुहोस् त, बैठक गर्ने भयो अब अन्तिममा हजुर सर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् ल। मेरो कुरा के छ सर होइन, मेरो त लाइफ ड्यामेज गरिदियो गरिदियो कि, सर्वप्रथम त सरलाई धन्यवाद अनि हजुरको टिमलाई होइन, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होइन, मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिने होइन। यसले चाहिँ एउटा के भन्छ अरे एसएमएस नगरिदिएको भएर सबै हामी चाहिँ सबै डिप्रेसनमा गथ्यो होइन, जस अहिले आएर चाहिँ सबै ठिक छ के। खाना हामीले छोडेको लगभग जति दिन यो गयो त्यो दिनबाट खाना हामीले सबैले प्रायः छोडेको थियो, अहिले आएको अहिले आएर बल्ल खाना खायो होइन,
अब के थाहा अर्को अब यसको चाहिँ फ्यामिलीले प्राय जस्तोले अब चाहिँ के हो लास चाहियो कि सास चाहियो भने अब छोरी उहाँ चाहिँ अब टाप बस्न रहेछ अब दस दिन अगाडि नै यहाँ कन्ट्याक्ट भइसक्यो रहेछ दस दिन अगाडि यसले छुट्टी मागेको रहेछ यो केटाले छुट्टी मागेर चाहिँ उहाँ गइसकेको रहेछ उहाँ इन्डियाबाट चाहिँ एउटा केटीलाई पनि ए के भन्छ अरे इन्डियाबाट यसले एउटा केटीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिसकेको रहेछ बुटोलको त्यो बहिनी पनि आज आउँछ कि भोलि आउँछ त्यो बहिनीसँग 12 सेकेन्ड बोलेको रहेछ सर यसले चाहिँ हेल्प मागेको रहेछ रोएर मैले त्यो रातमा यसलाई त्यो भनेको थिएँ कि तिमीलाई चाहिँ ठिक छ मसँग बस्न छैन भने भोलि तिम्रो बाबुआमा बोलाएर म डिभोर्स गरिदिन्छु तिमी तिम्रो तरिकाले जाऊ म मेरो तरिकाले जान्छु भन्दा फेरि त्यो रातमा यसले ठ्याक्कै काटाकुटी मान्छे सुत्या झैँ बिस्तारा बनाएर गछ अब तपाईँहरूले यत्रो यहाँसम्म मिडियाहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो होइन सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब चाहिँ नसोचेको कुराहरू काम पुरा भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर ल पहिला हामी छुट्टिन्छौँ नानी अब जे गर्छ अब त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ तिम्रो चाहना के हो त्यो राख है बुझ्यौ तिमीले तिमी के चाहन्छौ त्यो राख है ओके मन लाग्यो तिमीलाई मैले के अरे दबाब दिएँ यस्तो लाग्यो हो तिमीलाई मैले के नराम्रो भने अहिले छैन नि ल अहिले म यो भिडियो सक्छु नानी रुनी होइन ल बाई ल